टीवी एक्ट्रेस तनीषा शर्मा के आत्महत्या करने के वजह से निधन के बाद उनकी मां वनीता शर्मा ने उनके बॉयफ्रेंड शीजान खान पे लगातार आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनके ऊपर आत्महत्या के लिए उकसाने का, उसके साथ लव जिहाद का, ड्रग्स का और अब कई चीजों के लिए फोर्स करने का भी उन पर ब्लेम लगाया है। साथ ही उनकी मदर ने यह भी बताया कि शीजान खान ने तनीषा शर्मा को उनके आत्महत्या करने से थोड़े वक्त पहले ही थप्पड़ भी मारा था और वो शायद तक उन्हें चीट भी कर रहे थे और सडनली उनसे ब्रेकअप कर लिया, जिस दुख में तनीषा ने सुसाइड किया। इसके साथ ही उनकी मां वनीता ने यह भी आरोप लगाया कि शीजान ने अब उनकी बेटी तनीषा को उनसे दूर करने का प्रयास किया, तनीषा के ऊपर इस्लाम को अपनाने का दबाव डाला, साथ ही हिजाब पहनने का दबाव भी डाला। इसके साथ उर्दू सीखने, बोलने और लिखने का भी उन पर दबाव डाला। वहीं शीजान खान के जो लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि ये सभी जो आरोप लगाए गए हैं, इसके लिए पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला है और ये प्रूव नहीं होंगे और अभी तक वो इन आरोपों को नकार रहे हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में, हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट्स बॉक्स के जरिए।